एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो मैं आज आप लोग लेकर आई हूँ मैं अपनी नंद के लिए क्या गिफ्ट ले लिया है मैंने रक्षाबंधन के लिए, और अपने लिए क्या लिया है, सबके लिए क्या क्या लिया है, तो वो मैं आप लोगों से आज सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। और मैंने ना क्या होता है जब फेस्टिवल होता है तो यार लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, समझ में नहीं आता क्या ले लो। मैंने सोचा था कि आप मतलब मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरीज इयररिंग्स हो गए कि मैंने सोचा था कि यार अब मैं कोई भी जो है ना इयररिंग्स या ज्वेलरी नहीं लूंगी। पर क्या करें यार, जब ऑनलाइन हम देखते पसंद आता तो लगता है कि अरे यार कितनी अच्छी अच्छी तो हमारे पास है ही नहीं, हम ले लेते हैं। तो मन मतलब कितना भी हम लेडीज हैं लड़कियां शॉपिंग के मामले में ना तो पीछे हट ही नहीं सकते हैं, चाहे वो ऐसी चीजें आपके पास लाख ज्वेलरी हो पर आप लेने में पीछे नहीं हटने वाले। तो सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों से ज्वेलरी स्टार्ट करती हूँ, ज्वेलरी मैंने मतलब क्या क्या लिया है। और एक दो कैंसिल कर दिया था मैंने क्योंकि वो अच्छी नहीं आई थी, उसको रिटर्निंग कर दिया था, तो उसको तो अभी मैंने दोबारा नहीं मंगाया जो मैंने रिटर्निंग किया था। बट सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों से स्टार्ट करती हूँ ये वाली इयररिंग से, एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई लव दिस बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए बॉक्स इसका थोड़ा टूट गया है, वहीं से प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत इयररिंग्स है, इसकी शाइनिंग देख रहे हैं, कैमरा भी शर्मा जा रहा है शाइनिंग नहीं दिखा पा रहा है। सो इसकी शाइनिंग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत इयररिंग्स मुझे इतने पसंद आए तो मैंने अपने ले लिए। और इसे मैंने और भी ऑर्डर किए थे पर ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि वो कैंसिल हो गया। नहीं ये मेरी सिस्टर ने जो है ना मेरे लिए ऑर्डर करवाया था उन्होंने, और कि ये मुझे उसको पता ही है कि मेरा ऐसा काम ही है ज्वेलरी वेलरी का, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो वो मेरे लिए ऑर्डर करवाया था और मुझसे पूछ लिया था कि ये पसंद है कि नहीं, क्योंकि उसको पता मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप ये देख सकते हैं मिरर वर्क है इसका, और मेरे पास और भी है बट उसका जो डिज़ाइन है इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ना इसकी इयररिंग्स बहुत ज़्यादा क्यूट आए हैं। इसकी इयररिंग्स आप देख रहे हैं, ये देखिए ये इस टाइप के बहुत ही सुंदर है। तो ये एक इयररिंग्स मैंने बहुत ही ज़्यादा झुमका टाइप का है, इसकी ऐसी पैकेजिंग है। और तो ये ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये मुझे इतना पसंद है ना, हैवी वेट है इसका ये देखिए, और माइंड ब्लोइंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इसकी डिज़ाइन, और थोड़ा सा वेटेड है, मैं पहन लेती हूँ मुझे इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको एक एक ना चीज़ मंगाने वाली हूँ इसके लिए जो कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होगा पहनने में। और यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा इसमें मैंने पहनने के लिए मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ पहनने के लिए मतलब उसमें नेकलेस तो है पर मैंने तभी मंगा लिया है। ये हैवी सा नेकलेस ही देख सकते हैं आप, मैंने इसकी पैकेजिंग नहीं खोलूंगी नहीं तो फिर पैकिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो ये इसका बॉक्स नहीं आया था, नॉर्मली ऐसे बॉक्स में ही आया हुआ था क्योंकि ये इतना हैवी में है। एंड यहाँ पर इसकी इयररिंग्स भी दिख रहे हैं देख सकते हैं, चलो मैं खोल के आपको दिखाई देती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना कहते ही लगता है दूसरों का मांग के लाइक ही सकते हैं खासकर लोगों की ना ऐसी पैकेज है, पर मैं खोल के भी देख लेती हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी इयरिंग से आपको वैसे दिखाना था मुझे ना क्योंकि वैसे नहीं दिख रहे थे। ये देखिए इसके ये इयरिंग्स हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये देखिए, और इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है कि मैं क्या कहूँ, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी हैवी सेट है, पूरा गला आपका पैक कर देगा, इतना मतलब खूबसूरत है ये वाला पैक। और उसके बाद ये वाला सेट मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगाया है क्योंकि मैंने उनके लिए एक, तो मैंने आप लोगों से मतलब कमेंट किया था कि लोगों ने बाद में मुझसे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा इस बार का रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, बहुत अच्छा होगा, वो मैं आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो मैंने ये एक नेकलेस सेट अपनी सिस्टर के लिए मंगाया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें ना सब गणेश जी बने हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत सेट है ये। तो ये मंगवाया है मैंने ये, और इसमें इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आए, ये देखिए इस तरह से
एक पूरा एक पेयर आया है और इस तरह का, ये देखिए इस तरह का, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सेट है और मुझे ना बहुत उनको पसंद था, मुझे आइडिया था क्योंकि बहुत दिन पहले मुझे सेंड करी थी कि देख कितना अच्छा लग रहा है तू मंगा, मैंने कहा नहीं मुझे ही मंगाना है, इस टाइप का कुछ मिलता जुलता मैंने कहा मेरे पास है तो मैंने कहा मैं नहीं मंगाऊंगी। तो ये बाबू का सबसे पहले मैंने ड्रेस मंगवाया है रक्षाबंधन के लिए, तो ये देखिए बाबू का बहुत ही प्यारा सा बहुत क्यूट सा रक्षाबंधन का ड्रेस है जो बाबू वेयर करेगी ये वाला, और ना बहुत ज्यादा प्यारा है। इस बार की रक्षाबंधन की थीम आपको मिलेगी यस, और ऐसा मतलब बन गई है वो अचानक से, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये देखिए तो बाबू का ये ड्रेस है इस टाइप में, ठीक है ये हो गया बाबू का। एक बाबू के लिए मैंने और मंगाया है ये देखिए इस तरह का, ये उसके नीचे का है लोअर टाइप का और इस तरह का है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ना ये इसका जो ऊपर का ये है ना मुझे टॉप इतना ज्यादा पसंद आया, ये देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये कैप भी हुई है प्लस इस तरह का है ये देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। तो इसका कलर ना खासकर बहुत ज्यादा डिफरेंट है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो एक ये वाला सलवार सूट है ये इस टाइप का है, मेरी सिस्टर ने सिया के लिए लिया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये देखिए, पंजाबी टाइप का है, इसका स्लीव में इस तरह की स्लीव है जैसे नहीं पंजाबियों में होती है, तो काफी ज्यादा अच्छा है ये और पिंक कलर का है पूरा इस तरह का। तो इसको थोड़ा सा ना काफी बड़ा साइज है तो इसको थोड़ा सा फोल्ड करके अभी टेलर में डालना है मुझे ताकि फोल्ड करके वो सिल दें, कटवाएंगे नहीं। और ये इसकी सलवार है काफी ज्यादा मतलब हैवी सलवार है इसकी और घेर काफी ज्यादा अच्छा है ये देखिए इस तरह का, और पिंक कलर ये भी पड़ जाता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैं नलकी में क्या लेकर आई हूँ चलिए मैं आप लोगों को दिखा दीजिए पूरा फोल्ड करके। तो मैं ये लेकर आई हूँ अपनी नल के लिए और वो ड्रेस ये वाला ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे, और ये देखिए ये इस टाइप का है पूरा, और पूरा इसमें ये पूरा शर्ट दिया हुआ है इस तरह से ये देखिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये वाला श्रग। और इसी में ना साथ में आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट टॉप टाइप का मिल जाएगा, ये इसको नीचे वेयर करना है आपको और ऊपर से वो श्रग, तो ये श्रग ऐसा कि आप नीचे ना कोई भी पैंट अगर आपके पास इस कलर में है ना तो मैच कर जाएगा, बहुत ज्यादा खूबसूरत रहेगा। और अच्छी चीज ये लगी बहुत ही खूबसूरत सा इसमें ये दुपट्टा मिला है ये देखिए इस तरह का। और तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि दो नंदे है मेरी तो क्या मैं लूँ, तो मैंने दो सेट ऐसे लिए हुए हैं, तो मैंने दो एक दूसरे नंद के लिए भी ये वाला लिया है, तो दोनों सेट मैंने इसी तरह से लिया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, और जो मैं अपनी सिस्टर के लिए ड्रेस लिया है वो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। तो उसी में ना सूट में जो मेरी बेटी का है ना उसमें ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सा कड़ा हुआ इस टाइप का दुपट्टा दिया हुआ है, कलर काफी ज्यादा अलग है तो ये मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैंने कहा दिखा दूँ, बहुत ज्यादा अच्छा है ये दुपट्टा काफी। और मैंने जो अपनी सिस्टर से मंगवाया है वो है ये, एंड बहुत ज्यादा प्रिय देखिए इस टाइप का है ये इस तरह का ये देखिए है ये। और ना खासकर इसको जब आप पहनेंगे ना तो खासकर जब आप पहनेंगे ना तो इसका लुक ज्यादा समझ में आता है ये देखिए इस तरह का है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये। और इसमें ना ब्लैक कलर की पैंट दी हुई है और सिंपल सी, और जॉर्जेट में इसका कपड़ा है एंड इसका दुपट्टा ना इतना ज्यादा खूबसूरत है ये देखिए इस टाइप की डिजाइन दी हुई है और पूरा इसका दुपट्टा काफी लॉन्ग है एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो इस टाइप का ना मैं भी अपनी मंगवाने वाली हूँ, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये वाला। तो इतनी सारी शॉपिंग थी जो मैं आप लोगों से मैंने शेयर किया है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो कौन सी चीज़ ज्यादा पसंद आई प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों ने आपके नंद के लिए क्या लिया है, क्या गिफ्ट देने के लिए लिया है तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर करिएगा। तो इतनी चीजें थी और पिछले साल कुछ अलग दिया था एग्जाम, मैंने सोचा कि मार्केट जाना पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है, तो मैंने कहा चलो ये ले लिया जाता है ले लिया जाए। और हर समय क्या होता है ना कि मैं मार्केट जाती हूँ तो जाने की इतनी मेरी आदत नहीं रह गई है लेने की, तो मुझे मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होती है लेने में, ऑनलाइन की मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई है
तो कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें रिटर्न करवाया है, नहीं सही से आती है, कभी कभी होता है ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ बाहर मार्केट में भी हो जाती है, तो इस वजह से। और आई होप कि आज की शॉपिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और रक्षाबंधन मेरा ये शॉपिंग ब्लॉग आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।